Jonah Hines, close your eyes and start Om Kar twice. चलिए देखिए, कल हम लोगों ने रामायण शुरू किया था और उसमें हमने पहला चैप्टर अवधपुरी में राम को पढ़ा था। उसमें बताया गया था राजा दशरथ के बारे में, अयोध्या के बारे में, पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में, राम के जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, विश्वामित्र के आगमन के बारे में बताया गया था उसमें, और उसमें विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम का वर्णन किया गया था। विश्वामित्र राम के साथ राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं उनके यज्ञ और अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए। यज्ञ को संपन्न कराने के लिए जा रहे हैं। इतना कल हमने पाठ को समझा। आज जो पाठ है वो क्या है, जंगल और जनकपुर। जो सेकंड चैप्टर है आपका रामायण का वो है जंगल और जनकपुर। जंगल और जनकपुर को हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले कल के लिए कोई कोई डाउट है क्या? कल के लिए कोई डाउट है क्या? मैम, दूरदर्शन में तो बताया गया था कि दशरथ ने उत्तर कामेष्ठी यज्ञ किया था, पुत्रेष्ठी यज्ञ नहीं। किसने? मैम दशरथ ने, राजा दशरथ। मैम उत्तर कामेष्ठी यज्ञ, मैम उत्तर कामेष्ठी यज्ञ नहीं। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि पुत्रेष्ठी यज्ञ, पुत्र की इच्छा के लिए, पुत्र की इच्छा के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं सेकंड, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रामायण में कैसे वो विश्वामित्र के साथ जंगल पहुंचते हैं। वहां पर ताड़का नाम की जो राक्षसी है, राक्षसी ने कैसे पूरे वन को बड़ा शांत कर रखा है अपने दुर्व्यवहारों से, हिंसक प्रवृत्तियों से। राम कैसे उस राक्षसी का, राम और लक्ष्मण उसका वध करते हैं। फिर अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान में कैसे सुबाहु और मारीच जो ताड़का के पुत्र हैं वह आकर विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। फिर कैसे राम और लक्ष्मण उनको भी मारते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न होता है, वहां पर विश्वामित्र प्रसन्न होकर उनको अस्त्र शस्त्र भी प्रदान करते हैं। इस तरीके से पूरे उसमें फिर जनकपुर की ओर जाते हैं, जहां पर सीता विवाह के लिए आयोजन है, सीता का स्वयंवर का आयोजन है, वहां पर जाना, फिर शिव का धनुष तोड़ना, ये सब चीजें हम इस वाले पाठ में पढ़ेंगे। चलिए तो हम अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को के बारे में आज बताते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अच्छा, बीच बीच में ना बोलते रहिएगा, जिससे हमको समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं। जहां मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग अपने उत्तर दीजिए, तो बीच बीच में आप लोग बोलते रहिएगा, यस मैम ये सब बातें बोलते रहिएगा। ठीक है, जिससे हमको समझ में आएगा। चलिए, अब क्या हुआ कि राजा दशरथ की आज्ञा पाकर, राजा दशरथ की
आज्ञा पाकर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण महल से निकल पड़े। महल से निकलकर सरयू नदी के किनारे बढ़े। दोनों राजकुमार उनके साथ थे। सरयू नदी को पार करना था इससे वो आश्रम में पहुंच जाए, परंतु विश्वामित्र ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अयोध्या के किनारे से उन्होंने सरयू नदी को पार नहीं किया। वो चाहते विश्वामित्र तो सरयू नदी को वहीं से पार करके अपने आश्रम पहुंच सकते, परंतु क्या था कि वहां राम और लक्ष्मण को जंगल के रास्ते से ले जाना चाहते थे। उसके किनारे किनारे चलते चलते वहां दक्षिणी तट पर, जिस पर अयोध्या नगरी थी, चलते रहे। धीरे धीरे अयोध्या नगरी पीछे छूट गई और एक आगे मोड़ पर अयोध्या नगरी आंखों से ओझल हो गई। सभी लोग चल रहे थे धीरे धीरे, विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण, उनके चेहरे पर कोई भी थकान नहीं थी कि मतलब मैं थक गया हूं, मैं चल रहा हूं। उसके बाद शाम हो गई। शाम को देखा कि आसमान में चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे हैं। चरवाहे अपनी गायें चराकर वापस आ रहे हैं। उनसे उड़ती हुई धूल से वह गाय कुछ कुछ छिपी जा रही हैं। इस तरीके का शाम का वातावरण बना हुआ है। पक्षियों का अपने वसीरों में वापस लौटना और चरवाहे भी अपनी शाम के समय गोधूली बेला जिसे कहा जाता है, क्योंकि उस समय गायें लौटती हैं और उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली बेला कहा जाता है। तो उसी समय जब सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के समय विश्वामित्र ने उन्हें आदेश दिया कि आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि जंगल में जाने से पहले, जंगल में पहुंचने से पहले वह राम और लक्ष्मण को कुछ विद्याएं सिखाना चाहते थे। उन्होंने वहीं पर नदी के किनारे रुककर हाथ मुंह धोकर राम और लक्ष्मण दोनों को बला और अति बला नाम की दो विद्याएं सिखाई। रात में वो वहीं पर, जब रात हो गई तो उसी नदी के किनारे पर वो सो गई। नींद आने तक वो महर्षि विश्वामित्र से बातें करते रहे। सुबह दूसरे दिन फिर सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर दो नदियों का संगम था। ये दो नदियां आपस में, कौन सी दो नदियां मिल रही थी आपस में? गंगा और, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्लू एक लाइट ब्लू दो नदियां हैं। यहाँ पर गंगा और सरयू दो नदी का यहाँ पर संगम था। दो नदियों का यहाँ पर संगम था। इतनी भी बातें विश्वामित्र उनको बताते जा रहे थे। राम और लक्ष्मण बड़े ध्यान से उसे सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुनते सुनते आगे बढ़ रहे थे। और वहां के विश्वामित्र वहां के वनस्पतियों के बारे में, वहां के पक्षियों के बारे में, वहां बीच बीच में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, स्थानीय जो भी इतिहास जो भी हिस्ट्री था उसको वो बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी क्या था, यात्रा आगे की और कठिन होने वाली थी। नदी पार करनी थी तो विश्वामित्र को ऐसा करना, क्योंकि फिर वापस से दोबारा से रात हो गई तो विश्वामित्र को ये उचित नहीं लगा कि आज नदी को पार किया जाए। तीनों लोग वहीं संगम पर बने एक आश्रम में ठहर गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार कर घना दुर्गम जंगल जिसमें सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, इतना डरावना, हर ओर से झींगुर की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां, राम लक्ष्मण को आश्वस्त किया विश्वामित्र जी ने, कहा कि ये सब जो आवाजें आ रही हैं, जानवर और वनस्पति, तो यहाँ के जो भी हैं, जितने भी यहाँ जानवर हैं, जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वो तो जंगल की शोभा है,
इनसे कोई डर नहीं है। जंगल में भले ही यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, परंतु जानवरों से, पशुओं से, पेड़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर असली जो खतरा है वो है क्या, यहाँ की राक्षसी ताड़का, वो यहीं पर रहती है और उससे हम और जंगल के जानवरों को, आमनियों को, उनके जगहों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत कष्ट पहुंचाती है। तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये जो वन था, उन्होंने कहा इस वन में, ये ताड़का वन के नाम से जाना जाता है आज ये वन, इस वन में यदि कोई भी आता है तो निश्चित क्या है, ताड़का उसे मार डालती है। ये वन पहले ताड़का वन नहीं था, ये वन तो क्या था, सुंदर वन था, इसका नाम पहले सुंदर वन था, परंतु यहाँ पर ताड़का के आतंक के कारण से यह वन अब ताड़का वन के नाम से जाना जाता है, या इसका वन का नाम ताड़का वन पड़ गया है। फिर क्या हुआ, जब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा मिल गई तो राम ने अपने धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बार उसे प्रत्यंचा चढ़ाकर छोड़ दिया, उसका जो उसकी जो आवाज हुई, प्रत्यंचा की तंकार बोलते हैं, हुई ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, वो ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, माने धनुष को केवल बिना तीर के ही ऐसे खींच कर उन्होंने छोड़ दिया, प्रत्यंचा खींचना मतलब खींच कर छोड़ दिया, उसे बाण नहीं चलाए, तो उसकी जो आवाज हुई उस आवाज के लिए एक ताड़का के लिए बहुत क्रोधित हो गई होता है, ताड़का ताड़का को क्रोधित करने के लिए हाँ मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, मेरी आवाज सही, मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, ये नेटवर्क इशू हो रहा होगा, अभी आई आवाज सही, नो मैम, तो शुरू से ही नहीं आ रही है कि अभी आना बंद हुई है, मैम शुरू से ही आ रही है, शुरू से आवाज आ रही है, ऐसी आ रही है तो आपने बोला, यस मैम, आपने बोला क्यों नहीं था, मैम मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा था पर आपने पढ़ा नहीं, मैम बहुत अब आई आवाज मेरी साहब, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके यस मैम, तो वहां पर जो ताड़ का, अभी आवाज क्लियर हो गई, ओके यस मैम, तो शुरू से थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देती हूँ, यदि कहीं पर राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ जाने लगे तो सरयू नदी के किनारे किनारे वो चलने लगे, उस जंगल से होते गुजर रहे थे, सरयू नदी को पार करके ही विश्वामित्र का आश्रम था, लेकिन विश्वामित्र ने उस अयोध्या नगरी से ही सरयू नदी को पार नहीं किया, उन्होंने थोड़ा जंगल के रास्ते ले जाते हुए वहां पर चलते गए, आगे उनको एक जगह रुककर शाम जब हो गई तो शाम होकर वहीं पर रुक गए और वहां पर राम और लक्ष्मण को दो विद्याएं सिखाई, बला और अति बला, ये दो विद्याएं उनको सिखाई। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर यात्रा शुरू की, यात्रा शुरू करने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर गंगा, सॉरी सरयू और गंगा नदी का संगम था, उसमें वो आगे आगे चल रहे थे महर्षि विश्वामित्र और लगातार उस जगह की जानकारी देते हुए वह आगे बढ़ रहे थे, कभी वहां की वनस्पतियों के बारे में बताते, कभी वहां के किसी आश्रम के बारे में चर्चा करते, कभी वहां के स्थानीय हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में उन्हें बताते। आगे की यात्रा उनकी कठिन थी क्योंकि आगे बहुत घना जंगल था, ऐसा जंगल कि जहां पर कोई भी सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती थी, वहां पर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आश्वस्त किया कि यहाँ पर जो पक्षियों की आवाज है या हिंसक जानवर शेर की दहाड़ है, इनसे कोई भी तुम्हें खतरा नहीं है,
खतरा किससे है? यहाँ पर ताड़का नाम की एक राक्षसी है। वह राक्षसी ने इस वन को, जो वन पहले सुंदर वन के नाम से जाना जाता था, उसे इसने बहुत ही अपने हिंसक प्रवृत्तियों से इसका वातावरण को बहुत हिंसक बना रखा है। यहाँ पर कोई भी आता है उसको यह हमला करके मार डालती है। इसको तुम्हें समाप्त करना है। जब विश्वामित्र की आज्ञा मिल गई तो महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने क्या किया, अपनी प्रत्यंच धनुष की प्रत्यंचा को खींचा जोर से और छोड़ दिया। उसकी टंकार हुई के जो आवाज हुई उसकी आवाज ताड़का को क्रोधित करने के लिए काफी थी। और वो जैसे ही बाहर आई और वहां पर उसने देखा कि दो छोटे से बालक ने हमको ललकारा है, तो वहां राम की ओर दौड़ी। तो जंगल में जैसे मानो एक तूफान आ गया। क्या सारे पेड़, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते उसके, मतलब उसकी जो आवाज थी, जो गर्जना थी ताड़का की, उससे पूरा जंगल हिल गया। चारों ओर धूल के बादल छा गए। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाना, क्योंकि वो लोग माया भी होते हैं राक्षस, तो ताड़का ने पत्थर बरसाना शुरू किया। ताड़का ने पत्थर बरसाना शुरू किया। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने निशाना साधा और राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर उसको बाणों से घेर लिया। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर वह नहीं उठी। आगे विश्वामित्र उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र ने उन्हें गले लगा लिया। और विश्वामित्र ने क्या किया कि उनको बहुत सारे 100 तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें प्रयोग करने की विधि समझाई और उसका महत्व भी बताया। अब यहां से उनका आश्रम दूर नहीं था। अभी एक दिन का सफर और करना था उन्हें, लेकिन रात हो गई थी। ताड़का के मर जाने पर अब कोई भय नहीं था। अब पूरा ताड़का वन एकदम भय मुक्त हो गया। सुबह देखा तो जंगल बदला हुआ था, वहां फिर से सुंदर वन बन गया था। ताड़का की भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। अब तो पत्तों से गुजरती हुई हवाएं, उनकी सरसराहट एक संगीत बन गया था। चिड़ियों का चहचहाना, वो मतलब जंगल के सभी और शांति, पशु पक्षी वनस्पति सब जगह एक सुखद शांति थी। पूरी जगह एक शांति का वातावरण बन गया था। आगे क्या हुआ? अंतिम पड़ाव जब वहां पहुंचा तो सिद्धाश्रम वो लोग पहुंच गए। मैम अभी भी उस वन को ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। नहीं, सुंदर वन है, ताड़का के वन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी वो ताड़का वन के नाम, मतलब अभी तो प्रसिद्ध तो ताड़का वन के नाम से ही है ना, ताड़का वन है, लेकिन वैसे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ। चलिए, अब वहां क्या हुआ कि वहां पर जब वह अपने मैम आश्रम, ताड़का वन कहाँ है? ताड़का वन अयोध्या से आगे है, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अयोध्या से आगे सरयू और गंगा नदी के जो संगम है, सरयू और गंगा नदी का, उन्हीं जो वहां पर जो जंगल है उन्हीं कहीं कहीं स्थान पर वह ताड़का वन होगा। हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। प्रॉपर लोकेशन कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये वहां पर होगा, क्योंकि इतना आपके पाठ में भी बताया गया है कि सरयू और गंगा के किनारे किनारे वो चल रहे थे, तभी वो ताड़का वन उन्हें मिला था। वहां पर यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, अनुष्ठान होने लगा। फिर
पूरी जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी गई। 5 दिन तक अनुष्ठान बहुत अच्छे से चलता रहा, 5 दिनों तक अनुष्ठान बहुत अच्छे से चलता रहा, सभी को सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिल्कुल निर्विघ्न। राजकुमार ऐसा लग रहा था जैसे मानो राजकुमारों की उपस्थिति राक्षसों से ही राक्षस भाग गए, माने राम लक्ष्मण को देखकर ही भाग गए, यानी कि वहां पर हिम्मत नहीं दिखा रहे। फिर भी राम और लक्ष्मण एकदम चौकस, यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का उन्होंने निर्णय लिया था। अपने पूरी तैयारी के साथ वहां हर परिस्थितियों के लिए तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था, अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अंतिम दिन वो क्या देखते हैं, अचानक भयानक आवाजों से क्या होने लगा, आसमान भर गया और सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के सेना के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच बहुत क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी माने यज्ञ, क्योंकि यज्ञ होगा तो सात्विक जो शक्तियां हैं वो बढ़ेंगी और तामसिक प्रवृत्तियां जो है वो उन पर हावी नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो लोग राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे ऋषि मुनियों को। तो उन्होंने देखा कि एक तो उनको ये हो रहा था कि यज्ञ हो गया है और हमने इसको बीच में विघ्न नहीं डाल पाया, दूसरा मारीच इसीलिए भी क्रोधित था क्योंकि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मार दिया था, ताड़का, ताड़का उसकी माँ थी। अचानक से ऐसे हमला हुआ, राम और लक्ष्मण ने क्या किया, धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया, बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया और बाण के गति से वेग से वो दूर जागरा समुद्र के किनारे, मरा नहीं, जब होश आया तो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। दूसरा बाण सुबाहु को लगा, राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और सुबाहु के वहीं पर प्राण निकल गए। जब कहते हैं ना, जब सेनापति मारे जाएं या भाग जाएं तो निश्चित है क्या होता है, सेना में हलचल मच जाती है और सेना में भी भगदड़ मच गई, सब चीखते चिल्लाते हुए भागे, उनको कुछ लक्ष्मण ने मार डाला, कुछ जान बचाकर खड़े हो गए। इस तरीके से महर्षि विश्वामित्र का क्या हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। अब आगे क्या हुआ, यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि अब हम लोग वहां चलेंगे, मिथिला नगरी, मिथिला नगरी राजा जनक की नगरी, विदेह राज के दरबार में मैं जाना चाहता हूं, तुम भी मेरे साथ वहां पर चलो। अब वहां पर क्या है कि वहां पर आपको मैं क्या दिखाने ले जा रहा हूं, वहां पर एक शिव का धनुष है, बड़ा अद्भुत धनुष है। कहा जाता है इसके बारे में, एक कहा जाता है कि सीता के स्वयंवर के लिए, सीता के विवाह के लिए शर्त रखी गई थी कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता के साथ विवाह करेगा। परंतु राजा जनक जो थे बड़े ही उदास थे, कोई भी उस धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा तो बहुत दूर की बात है, साईराम मुझे सुन पा रहे हैं अभी? यस मैम। ओके 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 तो प्रत्यंचा तो चढ़ाने की बात बहुत दूर है, कोई उसे उठा ही नहीं पा रहा था। तो राम और हाँ बोलिए। ओके यस मैम। राम और लक्ष्मण ने अपनी अगली यात्रा शुरू की, उनको एक बड़ा उत्सुकता थी कि शिव का हम धनुष देखेंगे। बड़े ही सुंदर रास्तों से गुजरते हुए वह मिथिला पहुंचे, मिथिला पहुंचे वहां राजा जनक के दरबार में। जब वहां पहुंचे उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ, उनका बहुत ही स्वागत हुआ वहां पर। अब राम और लक्ष्मण को देखकर राजा जनक को बड़ा अच्छा लग रहा था, बोले ये दोनों राजकुमार कौन हैं जो मुझे बहुत आकर्षित कर रही हैं।
तब महर्षि विश्वामित्र ने उनका परिचय दिया कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ आपका ये अद्भुत धनुष देखने के लिए आए हैं। वहां पर वो धनुष मंगाया गया यज्ञशाला में, वहां देखा कि जो धनुष जिस पेटी में लाया जा रहा है उसमें 8 पहिए लगे हुए हैं और बहुत सारे सैनिक उसे खींच रहे हैं। जब वहां पर वो धनुष आया, धनुष आने के बाद जब राजकुमारों ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके प्रयास विफल हो रहे हैं, उठाना तो दूर से हिला भी नहीं पा रहे हैं। अब विश्वामित्र ने राम को संकेत किया, या आज्ञा दी कि अब आप जाकर इस धनुष को उठाने की कोशिश करें। राम ने उन्हें प्रणाम किया और जाकर धनुष उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसकी डोरी खींची, वैसे ही वह धनुष टूटकर 2 टुकड़ों में हो गया। राम ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो जैसे क्या हुआ हो, जैसे कोई बच्चों का खिलौना हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर राम धनुष को देख रहे हैं, यहाँ पर राम ने धनुष को तोड़ दिया है। ऐसा लगा जैसे यहाँ पर उन्होंने ऐसे धनुष को तोड़ दिया जैसे वहां पर कोई खिलौना रखा हुआ। थोड़ी देर के लिए तो पूरी राजसभा में एकदम सन्नाटा छा गया, परंतु बड़ी खुशियों का माहौल भी क्षण भर में ही बदल गया। चारों ओर खुशियों का ठिकाना ना रहा क्योंकि सीता के स्वयंवर का जो शर्त थी वो पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण भेजने के बाद राजा दशरथ पूरी बारात लेकर अपनी प्रजा के साथ राम की बारात लेकर वहां पर तैयारी करने लगे राम की बारात के लिए, और वहां पर राम की बारात लेकर पहुंच गए। हाथी घोड़े बहुत ही सुंदर ढंग से, जहां फिर आगे चलकर पूरी जनकपुरी में खुशियों का माहौल था। हर एक मार्ग को बड़े सुंदर तोरण द्वारों से सजाया गया था। प्रवेश द्वार पर बंधन बार लगे हुए थे, एक एक कोना फूलों से सुभाषित हो रहा था और वहां पर राम के विवाह की तैयारियां चल रही थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ में किया, उनका विवाह राम के साथ संपन्न हुआ। सीता का विवाह, सीता के विवाह के पश्चात सीता का विवाह हुआ। इसके बाद राम जनक के जो छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी भी तो पुत्रियां थी मांडवी और शुक्की। पहले राम का विवाह हुआ सीता के साथ, राम के साथ जो लक्ष्मण थे उनका विवाह उर्मिला के साथ हुआ। और वहीं पर जब बारात में भरत और शत्रुघ्न भी पहुंचे तो वहां पर जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी मांडवी और शुतकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत के साथ और शुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद चारों ओर आनंद के उत्सव गूंजने लगे, चारों तरफ बधाइयां गूंजने लगी, सभी बड़े प्रसन्न थे। तभी अचानक क्या देखा गया कि परशुराम वहां पर बड़े क्रोधित होकर आ गए कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। बहुत क्रोधित होकर हुए वहां पर आए, परंतु राम ने अपनी बड़ी विनम्रता से और अपना परिचय देते हुए उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रकार ये जनक और जंगलपुर का ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो फटाफट से बोलो, फिर मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगी। चलिए फटाफट से, कोई भी डाउट है? साईराम नो साईराम मैम साईराम नहीं लेट रिएक्शन यस मैम
इतना लेट रिएक्शन और ऊपर से बोला है यस मैम। चलिए कुछ डाउट है क्या, बोलिए फटाफट से, कोई डाउट है क्या? अच्छा नो मैम, नो मैम, ओके ओके ओके। चलिए अभी हम क्या करते हैं, आपको चैट बॉक्स में एक फिर से गूगल फॉर्म भेज रहे हैं, ओके। पहले आप लोग उसे करो, उसके बाद हम नो मैम। चलिए एक मिनट में रुको, मैं फिर से कॉपी करके लाती हूँ उसको। अच्छा पहुंचा आप लोगों के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. चलिए स्टार्ट करिए फोन को, ओपन करो। मैम कर लिया। कर लिया? चलिए अब हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं, ठीक है? क्या हम गूगल फॉर्म निकाल पाएंगे? गूगल फॉर्म में क्या बात है? अपना अपना चाहो तो मैं अभी एक गूगल फॉर्म में। हाँ बोलिए मैम, परमिशन ऑन कर दीजिए। क्या ऑन कर दूँ? परमिशन मैम, मैं खोलता हूँ तो मैम बोलते यू नीड परमिशन। किसका परमिशन मैम? ये लोग तो सारे ही आंसर गलत बता रहे हैं। यस मैम, हमने सही आंसर लिखे तो वो 10 आउट ऑफ 0 ही बोल रहे हैं। नहीं वो मुझसे ही गलती हो गई। क्या हुआ था मैम? उसमें आई नहीं रहा। एक एक मिनट मैं अब खुद आ रही हूँ, उस फॉर्म को लेके मैं खुद आ रही हूँ। एक मिनट में आ रही हूँ। टीचर माइक नहीं चल रहा। I'm to be lying.
मैम नहीं है, मैम नहीं आ गई। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें आंसर था आंसर जो मैंने दिया था वो गलत बताए थे, और सारे गलत बता रहे हैं। हाँ सारे गलत बता रहे हैं, अति बला बला अति बला में वो गलत बता रहा। यस मैम, हाँ बला, हाँ पर वो सही था, सही था, मैंने ही वही करा। यस मैम, मैम अपना मार्क खोलिए, गलती हुई है मैम, आपने म्यूट कर लिया है, आप अपना माइक खोलिए। अपन से नहीं इतना लेकर आया था, मैम आप अपना माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। मैम आप अपना माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। मैम आवाज़ी को हो रही है, आवाज़ी को हो रही है। यस मैम आवाज़ी को हो रही है, अब हो रही है। आई राम मेरी आवाज आ रही है चैट बॉक्स में? नो मैम। यस मैम, आ रही है आवाज? ओके चलिए चलिए, अब एक बात बतानी थी मुझे। आप लोग बोल रहे हैं ना कि उसमें सारे आंसर गलत, मुझे लगता है कि मैंने शायद गूगल फॉर्म जब भरा होगा ना तो इनकरेक्ट आंसर को करेक्ट आंसर में नहीं चेंज किया होगा, इसलिए तो वहां पर पहला क्वेश्चन जो है वो वही है, अतबला और अतिबला। पहला प्रश्न है कि कौन सी विद्याएं सिखाई थी, बला और अतिबला, जिन्होंने किया है वो क्लियर है। उसके बाद सेकेंड किसका है, क्या क्वेश्चन था सेकेंड बोलो? यस मैम। चलो आरुष बोलो। मैम याद नहीं है सेकंड क्वेश्चन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। मैम वो नदी के संगम के बारे में yes, था। यस मैम, दो नदियां। आरुष मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? इसमें कौन से प्रसंग में? यस मैम सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ओके पहला क्वेश्चन क्या था? मैम आपकी आवाज फिर से इको होने लगी।
अब आ रही है? नो मैम, इको हो रहा है। नो मैम, इको हो रहा है। नो मैम, नहीं आ रही। मैम सेकंड क्वेश्चन मैं पूछूं? मैम इको हो रहा है। मैम इको हो रहा है। ये मुझे समझ आ रहा है लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है? कौन है? अभी हो रहा है? अभी हो रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हां अभी भी यस मैम हो रहा है। हो रहा है। यस मैम हो रहा है। मैम मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं? मतलब बोलूं? मैम आप पूछो। हो रहा है। यस मैम। देवांश द्विवेदी, आप प्रॉपरली बैठा था? यस मैम। चलिए एक काम करती हूँ, मैं इस फॉर्म को मैं वापस आप लोगों के पास भेजूंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है? करेक्ट करके व्हाट्सएप पर आपको भेजूंगा, ठीक है? ओके मैम। मैम इको हो रहा है। मैम इको हो रहा है।